नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने आखिरकार सोमवार को कश्मीर पर चल रहा सस्पेंस खत्म कर दिया। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। इसके साथ ही कश्मीर से धारा 35A को भी समाप्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर अलग राज्य न रहकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहीं धारा 370 हटते ही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बौखला गईं। उन्होंने ट्विटर पर अब कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया। अब जम्मू कश्मीर को तो राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वहीं लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा। यहाँ उपराज्यपाल की नियुक्ति होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल होंगे। कश्मीरी पुलिस सीधे राज्यपाल को रिपोर्ट करेगी। इसके साथ ही सरकार ने 35A को भी खात्मा कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस फैसले को देश के सामने रखा, लेकिन सांसदों ने वहाँ हंगामा कर दिया। भड़क उठी महबूबा मुफ्ती, जाने क्या बोली। कश्मीर में केंद्र सरकार के फैसले से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भड़क उठी हैं। उन्होंने धारा 370 हटने के फैसले को गैर संवैधानिक करार दे दिया है। महबूबा मुफ्ती ने धमकी देते हुए कहा है कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पीडीपी अध्यक्ष ने आज के दिन को लोकतंत्र का सबसे काला दिन करार दे दिया। फैसले को असंवैधानिक और अवैध करार देते हुए महबूबा ने कह दिया है कि केंद्र सरकार की इच्छा साफ है, वो डरा धमका कर जम्मू कश्मीर के निवासियों से उनकी ज़मीन हड़पना चाहती है। धन्यवाद।